हाँ जी जी उधर बनाइए, अच्छी लग रही है। सुमन न्यूज़ पे आ गई, वो पहले भी आती थी। एक से मैम, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता जी, आप जो ये करवा चौथ की तैयारियां कर रही हैं, किस तरह से तैयारियां कर रही हैं? ये मेहंदी लगवा ली है और करवा वगैरह खरीद करके बाकी पूजा का सामान ले लिया है, तो यही तैयारियां होती हैं। ठीक है, मतलब आप कैसे अपना करवा चौथ मनाने वाली है, कि मतलब सामान क्या क्या खरीदा आपने? करवा लेते हैं और छन्नी और उसकी थाली लेते हैं, एंड करवा एक भगवान की मूर्ति होती है, उसकी किताबें होती हैं, एंड मीठी और फीकी ये मठरी होती है जी। और एक मीठा करवा होता है, ये सब लेते हैं, उसको पूजा करते हैं, और जो भी अपने एल्डर्स को कोई सामान देते हैं, जो भी मैरिड वुमेन है उनके लिए सामान खरीदते हैं, जैसे साड़ी मेहंदी, ये सब जो भी सुहागता सामान होता है ये सब उनको देना होता है। तो आज आप मार्केट में क्या मेहंदी लगाने के लिए आई? आज तो मैं सिर्फ मेहंदी लगाने आई हूँ, क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी आज, तो हमने पहले बाकी का सामान खरीद लिया। ठीक, क्या नाम है आपका? नीलम तिवारी नाम है मेरा, और मैं यहाँ पे आई हूँ बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मेहंदी लगवाने जी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा जी। और हम लोग करवा लेंगे, चलनी लेंगे, जो भी चीज़ें हमारी लगती हैं करवा चौथ में, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ से लेंगे, सारा श्रृंगार का सामान लेंगे, जो भी हम उनको माता को चढ़ाते हैं, फोटो फ्रेम जो भी होती है सब चीज़ें लेंगे और अच्छे से करवा चौथ रखेंगे। अभी तक एक्साइटमेंट के साथ हमने आ गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं उतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट लेकिन जैसे जैसे त्यौहार आते हैं तो उसके हिसाब से हमें भी ढलना पड़ता है, तो कुछ कुछ चीज़ें उतना फ्रीडम तो नहीं है, बट लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत तो फ्रीडम मिल चुकी है अभी, तो उतना तो एज यूजल हम करेंगे ही करेंगे। Thank you.
Thank you.